नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज मैं चर्चा आपसे करना चाहूंगा थोड़े से गंभीर विषय पर। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको देखना ना पसंद करें। एक तो विषय बहुत गंभीर है और दूसरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त अभी नहीं है तो आप निश्चित रूप से कुछ समय बाद, जब आप कंफर्टेबल हो, फ्रेश हो और सुख दुख से परे हो, क्योंकि अगर बहुत सुखी होंगे तो आप इस वीडियो देखना पसंद ना करेंगे और दुखी होंगे तो भी डेफिनेटली देखना पसंद नहीं करेंगे। तो जब एक समतल भाव से आप हों, समभाव से आप हों, न्यूट्रल माइंड में आप जब हों, किसी प्रकार की कोई एक्साइटमेंट ना हो, किसी प्रकार की कोई डिप्रेशन ना हो, तब आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने का मौका आपको ये वीडियो दे सकता है। स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट, दिस इज वेरी स्पेशल वीडियो एंड लॉट ऑफ स्पेशल इनपुट्स आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अप इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, और अगर नहीं है तो ये कभी मत भूलिए कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने दुख का स्वाद न चखा हो। चूंकि दुनिया में जीने के लिए दुख सुख दोनों की जरूरत समान रूप से होती है, जैसे रात और दिन होते हैं वैसे दुख और सुख होते हैं। तो जितनी मात्रा में आप सुख पा रहे हैं उसी मात्रा में आपको दुख गिफ्ट के स्वरूप मिलना ही है, ये तय है। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण भगवान ने जब कुंती बुआ से कहा कि मांगिए बुआ, आप क्या मांगना चाहेंगी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने कहा कि देना ही है तो दुख दो और बहुत दुख दो। श्री कृष्ण भगवान ने बड़े अचरज से कहा कि सभी सुख की कामना करते हैं कुंती बुआ, ये आप क्या मांग रही हैं? तो कुंती बुआ ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि सुख मिलेगा तो हर संभव हम आपको भूल जाएं। सुख मतलब भगवान को भूल जाना और दुख मतलब भगवान को स्मरण करना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख मतलब आध्यात्मिक इंक्वायरी का वक्त। स्पिरिचुअल इंक्वायरी विल लीड टू स्पिरिचुअल नॉलेज। यह ठीक वैसा ही है कि पंखा चल रहा था और उसका स्विच हमने बंद कर दिया, तो थोड़ा वक्त लगेगा पर पंखा बंद जरूर होगा। भगवद गीता में इस जीवन को दुखालय अशाश्वतम इसीलिए कहा गया है। वन मोर क्वेश्चन कीप्स पॉन्डरिंग इन अवर टफ टाइम्स इन अवर माइंड एंड दैट इज व्हाई मी, मैं ही क्यों। सो जस्ट रिमेंबर दैट प्रॉब्लम्स एंड पेन्स कम्स इन अवर लाइफ फॉर अवर ट्रांसफॉर्मेशन। भगवान की भक्ति में जब जाना ही एकमात्र सोल्यूशन है, क्योंकि यह दुख अपने ही कर्मों का नतीजा है। भक्ति का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है, वो भी बोनाफाइड भक्ति करने से ही हमें, जो कि गुरु शास्त्र और साधु के द्वारा सिखाया जाता है। यह जगत में सबकी सब चीजें टेम्पररी हैं, रिश्ते, नाते, पावर, पोस्ट, पोजीशन, ब्यूटी, लुक्स, एवरीथिंग इज टेम्पररी। लाइफ में सुख और दुख केवल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख से ऊपर उठना ही आनंद की अनुभूति कराती है, मतलब स्थित प्रज्ञ होना। ना सुख में सुखी न दुख में दुखी, ये भी एक समय है, ये भी गुजर ही जाएगा। ये बात अगर आपने सही उम्र में सीख ली तो साथियों, पहले ये समझते हैं कि व्यवहारिक तौर पर खुश होना या सुख का मतलब क्या है। मतलब ये कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस बात को के प्रति सदैव हम कृतज्ञ रहें। आपकी सांस चल रही है, भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तन पर कपड़े हैं, सर के ऊपर छत है, सोने के लिए आपके पास पलंग है, ये सारी चीज़ें जो है, तमाम जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो आपके पास हैं। और हम अगर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में जिएंगे तो ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब वैज्ञानिक तौर पर हम इसको जानने का प्रयत्न करते हैं कि सुख मतलब क्या। मतलब ऐसे
थॉट्स को आप, ऐसे विचारों को आप जनरेट करने की क्षमता रखते हो जो आपके डोज को बढ़ा सके। डोज मतलब DOSE, डी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन, ई फॉर एंडोर्फिन्स। ये आपके थॉट्स के जरिए, आपके कर्मों के जरिए जब आप कर पाते हैं तभी आपको खुशी या हैप्पीनेस महसूस होती है। जब लंबे समय तक हम इन डोज मतलब इन चार हार्मोन्स को अपने विचारों के जरिए जनरेट नहीं कर पाते हैं तब हम अवसाद या डिप्रेशन की परिस्थिति में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें लोगों से, अपने करीबी मित्रों से चर्चाएं जरूर करना चाहिए, अपने विचारों को उनसे साझा करना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि हम कहाँ अपने विचारों में गलत हैं, किस प्रकार हमें समझना है, किस प्रकार हम चूक कर रहे हैं अपने विचारों में, और इस तरह की चीज़ों पे हमें बहुत लंबे समय तक अपने अकेले में रह करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वक्त है कि आपको कोई सही गुरु मित्र आपको ज़रूर मिले और आप उनकी बातों को सुनकर समझकर उसके दूसरे पहलुओं को, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं दूसरे पहलुओं पर भी आप सोच पाएं। ये भी अक्सर सवाल आता है कि मेरे आसपास तो सभी सुखी हैं, खुश हैं, मैं ही क्यों? तो इसका जवाब चैतन्य चरितामृत में बड़ा खूबसूरती से दिया गया है कि ईश्वर तन की तरफ से जब हम मुंह फेर लेते हैं इसका मतलब यह है कि हम उजाले की तरफ से हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं और अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं। दुख है, दर्द है, सच तो यह है कि ईश्वर ही ज्ञान का उजाला है, कृष्ण ही वो शक्ति है जो आपकी तरफ नजर किए हुए है। अगर आप किसी भी स्थिति को या घटना को भगवान की कृपा मानकर ग्रहण कर लेंगे तो किसी भी हाल में आपको दुख नहीं होगा। हमारा हर आभास मन की स्थिति पर निर्भर होता है। दुख हो, खुशी हो, ईश्वर अपने भक्तों की उन्नति के लिए ही उन्हें दुख देते हैं। जैसे सोने को खूबसूरत आभूषण बनाने के लिए खूब तपाया जाता है, एक तीर को चलाने के लिए धनुष को जब तक हम पीछे नहीं खींचेंगे जब तक वो तीर आगे नहीं जाएगा, और एक रॉकेट साइंस में जब रॉकेट के पिछवाड़े में जब आग लगती है तभी रॉकेट ऊपर जाता है। तो इसी प्रकार दुख मतलब हमारी भी परीक्षा ली जाती है। और शरीर में रोग हो गया है, धन का अभाव हो गया है, परिवारजन में माता पिता या किसी रिश्तेदार से तिरस्कार मिला है, अपने भाई बहनों से विवाद हुआ है, कृपया समझने की कोशिश करें। ईश्वर पर सदैव पूर्ण आस्था बनाए रखना चाहिए। बस यही समझना चाहिए कि हमें अपने भले के लिए ही हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। बस निगेटिव परिस्थितियों से घबरा कर निगेटिव नहीं सोचना है, पूर्ण विश्वास के साथ अपने रास्ते पर मेहनत और लगन करते जाना है। जीवन के दुख के बाद खुशियों का अंबार भी जरूर आएगा। अब इस बात को महाकवि कालिदास की घटना पर से भी अपन समझने प्रयास करते हैं। अगर उनकी पत्नी विद्योत्मा उन्हें तिरस्कृत करके अगर नहीं निकालती तो आज इस दुनिया को, उनके पति को महाकवि कालिदास के रूप में नहीं जानती। आइए इस छोटी सी कहानी को भी हम जानते हैं। विद्योत्मा एक राजकुमारी थी जो कि बहुत विद्वान थी, वह तर्क वितर्क में अच्छे अच्छों को परास्त कर चुकी थी। जब उसकी शादी की बात चली तब उसने घोषणा करा दी कि वह सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान से शादी करेगी जो उसे ज्ञान चर्चा में हरा सके। उसके राज्य में विद्वान राजकुमारी से परास्त होकर वैसे ही कुंठित बैठे थे। उन विद्वानों के अहंकार को चोट लगी हुई थी और वे अपना बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमारी का विवाह एक ऐसे मूर्ख से कराएंगे तभी उनको चैन मिलेगा। अपनी इस घृणा के चलते वे सब एक महामूर्ख को ढूंढने निकले तो कुछ दिन बाद उन्हें एक आदमी मिला जो बड़ा ही विचित्र हरकत कर रहा था। जिस पेड़ पर वह बैठा था उसी डाल को वो काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उन्होंने उस आदमी को नीचे बुलाया और उससे कहा कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें एक महल में बढ़िया भोजन करवाएंगे। बस एक ही शर्त है कि महल में जाकर तुम्हें
कुछ भी बोलना नहीं है, जो भी कुछ बताना है वो केवल इशारों के माध्यम से बताना है। वह आदमी राजी खुशी उन लोगों के साथ चल पड़ा। विद्वान राजा के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें राजकुमारी के लायक एक बहुत ही विद्वान पुरुष मिल गए हैं, उन्हें राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु उन्होंने शर्त यह रखी है कि वे मुंह से नहीं बोलेंगे, केवल इशारों से अपनी बात को रखेंगे। राजकुमारी और वह व्यक्ति आमने सामने बैठे और राजकुमारी ने मूर्ख के सामने अपनी एक पांच उंगलियों इस तरीके से बताने का प्रयत्न किया, तो उसने जवाब में इस तरीके से बताया। विद्वानों ने उसको इस तरह से इंटरप्रेट करा दिया कि ये वो कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। राजकुमारी को बड़ा अचंभित लगा कि अरे यहाँ बढ़िया बात बता रहे हैं। राजकुमारी तैयार हो जाती है उनसे शादी करने के लिए, और शादी के बाद जब असलियत खुलती है तो विद्योत्मा उनको बहुत प्रताड़ित करती हैं और उनको निकाल देती हैं। इस बात से वो बेहद दुखी होते हैं और देवी माँ के मंदिर में जाकर के अपनी बात देवी माँ से कहते हैं और ये कहते हैं कि अगर मुझे आपने ज्ञान नहीं दिया तो मैं अपनी ज़बान काट लूँगा। वो जैसे ही ज़बान काटने वाले होते हैं तो उनको एक एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है, आत्मबोध की प्राप्ति होती है। वो आत्मबोध से ही जो है आगे चलकर उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उससे हम सब चिरपरिचित हैं। बस इसके बाद उस मूर्ख ने जो किया है उसका सारी दुनिया को साक्ष्य मिला है। कवि कालिदास, अगर कवि कालिदास बन पाए तो उसके पीछे उनकी धर्मपत्नी का सर्वाधिक योगदान था। शकुंतला और मेघदूत जैसी रचनाएं उन्होंने अपनी पत्नी से विरह के दौरान ही लिखी थी। उन्होंने उस उन्नति के पीछे उस उपेक्षा उस दुख का योगदान था जो ईश्वर की कृपा से उनकी पत्नी द्वारा उन्हें मिला। ज्ञान पाने के लिए आराधना करें, कर्म करें जो उन्होंने किया। तो इतनी बातों का सार यही है कि जीवन में दुख मिले, उपेक्षा मिले, तकलीफ मिले, इस सब को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ईश्वर हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, हमें परखने के लिए हमें दुख देते हैं, और हम इस बात को समझकर स्थिति को ग्रहण कर लेंगे तो दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं और उस तकलीफ में भी दर्द नहीं होगा। हम हर हाल में खुश रह सकते हैं, इस दुनिया में उसका मोह भंग कर अपनी ओर आकर्षित करते हैं श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि हम इस दुनिया के मोह माया में उन्हें भूल जाते हैं। जैसा कि कबीर दास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। भावार्थ, दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है लेकिन सुख में हम सब भूल जाते हैं। इसलिए यह सदैव याद रखिए कि अगर आप किसी भी बात से दुखी हैं तो यह आपकी अपना ही प्रारब्ध है, आपके ही कर्म या कुकर्म हैं जो कि आप अब भुगत रहे हैं। समाधान एकमात्र है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण की शरण में जाएं और भक्ति करें।